अगर ऐसा हुआ तो सभा में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन कहने लगा है रोकव मुताबिक अपनी बहन रुक्मणी का विवाह करूंगा। और तुझे ये मालूम है जैसे तू चोर बता रहा है जिसका तू इतना बड़ा अपमान कर रहा है गालियां दे रहा है तुझे उसके बारे में शायद कुछ मालूम नहीं। मुझे सब कुछ मालूम। अरे अगर तुझे मालूम होता तो इस तरीके से बात नहीं करता। पिताश्री तू जानता है उसके बारे में क्या जानता है? मैं सब कुछ जानता हूं। अरे भाई नहीं पता है। और राजा भीष्मक कहने लगे सारा संसार उसके नाम की माला जपता है।
सारा संसार उसके नाम की माला जपता है। सब उसे परमेश्वर कहते हैं। पिताश्री आप परमेश्वर मानते हो लेकिन मैं नहीं। मेरा तो यही कहना है अगर शादी होगी तो मैं अपने मुताबिक करूंगा। परीक्षित महाराज रुकम जो था ना इनका सबसे बड़ा बेटा बहुत बड़ा उसका आतंक था। राजा रो रहे हैं विचार कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ अगर उसके साथ शादी नहीं करोगे तुम्हारा विचार नहीं है।